नमस्कार, जेपीडीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बैंगन मसाला। बैंगन मसाला बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होगी: थोड़े करी लीव्स, एक चम्मच नमक, अदरक और लहसुन, 5 से 6 कलियां लहसुन की और आधा इंच अदरक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच तिल, एक छोटा प्याज मैंने बारीक कट कर लिया है, आधा चम्मच जीरा, एक कटोरी सेंगदाने, मूंगफली हमने भून ली है थोड़ी सी, 7 से 8 बैंगन, एक कटोरी हरी धनिया, आधा गरम मसाला और काला मसाला। मैंने 2 तरह के यहाँ मसाले यूज किए हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो मसाला ले सकते हैं। सूखा नारियल लिया है मैंने थोड़ा, तड़का लगाने के लिए तेल। तो सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे, सेंगदाने और तिल, ये दोनों चीजें अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे। अभी देखिए, इस तरह से मैंने ये पीस लिया है। मैंने अभी तक ये बैंगन कट नहीं किए है, बैंगन मैं बाद में कट करने वाली हूँ। अब हम मिक्सर में सूखा नारियल, अदरक और लहसुन और प्याज, इसे भी अच्छा सा बारीक पीस लेंगे। मैंने अदरक, लहसुन, प्याज और सूखा नारियल इन सबको अच्छे से बारीक पीसा है। ये पीसते समय मैंने पानी नहीं डाला है। अब मैं ये बैंगन कट करके थोड़ा सा पका लूंगी। मैंने बैंगनों को अच्छे से धो लिया था, देखिए इस तरह से हमें कट करना है। कट करके इसमें ऐसे कट करके डाल दीजिए तेल में। अब इन्हें 2 मिनट ढक दीजिए। अब ये बैंगन हम साइड में निकाल लेंगे। मैंने इन्हें 2 मिनट तक पकाया है, देखिए इस तरह से थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। तेल डाला है, तेल में जीरा, कड़ी पत्ता, थोड़ा हींग, सूखे नारियल, अदरक और लहसुन और प्याज की जो हमने पेस्ट बनाई थी वो डाल देंगे। इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक अच्छा ब्राउन हो जाए तब तक इसे पकाएंगे। अगर आप प्याज अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। अब मसालों में से तेल अलग हो गया है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, सब अच्छे से पकाएंगे 2 मिनट। आप जो चाहे वो गरम मसाला डाल सकते हैं। ये पक गया है। अब इसमें तिल और सेंगदाने का ये मिक्सचर ऐड कर देंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा धनिया डालेंगे। मैंने इसमें पानी अभी भी नहीं डाला है। इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक अच्छे से पकाना है। हमारा मसाला बन गया है, अभी गैस बंद कर देंगे। अब इसमें अच्छे से मसाला डालेंगे चारों तरफ। मसाला गर्म है इसके लिए मैं चम्मच से डाल रही हूं। देखिए ऐसे मसाला डालेंगे।
इस तरह से हमें सारे बैंगन भर लेने हैं ऐसे। ये देखिए मैंने सारे बैंगन अच्छे से भर दिए हैं, इसमें मसाला अच्छे से अंदर चला जाए ऐसे हमें ये बैंगन बना लेने हैं। अब हम गैस फिर से चलाएंगे। एक 3 कप पानी डाला है। अब इसमें उबाल आने के बाद ये बैंगन हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, ये बैंगन डाल देंगे। पांच मिनट के लिए ढक देंगे। गैस हम कम ही रखेंगे, कम गैस पे इसे अच्छे से पकाएंगे 5 मिनट तक। बीच बीच में हम अच्छे से चेक कर लेंगे कि पक रहे हैं या नहीं, फिर से ढक देंगे। अब हम ढक्कन हटा देंगे और इन्हें ऐसे ही पकने देंगे। गैस कम ही रखना है। हमारी सब्जी बन गई है, देखिए। ये देखिए बैंगन मसाला बनके तैयार है। ये बैंगन अच्छे से पक गए हैं और इनके अंदर जो मसाला हमने भरा था वो भी वैसा ही है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए बैंगन मसाला बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने में मुझे 25 से 30 मिनट लग गए हैं। बैंगन मसाला बहुत ही अच्छा बना है। आप इसे रोटी के साथ या फिर बाजरे की भाकरी के साथ खा सकते हैं। बैंगन मसाला ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि ये कैसा बना है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।